सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी हिंदी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों Asus ने और एक उसका नया फोन लॉन्च कर दिया है, वो है Asus Zenfone 6। इसके बारे में अनबॉक्सिंग वीडियो आपको YouTube में हर एक चैनल में मिल जाएगा, मगर इसमें कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया है इसके बारे में कोई कुछ बताया नहीं। तो मैं इस वीडियो में आपको इस फोन के टोटल स्पेसिफिकेशन क्या होगा और इस फोन के जो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिल रहा है उसके, जो पहली बार वर्ल्ड में पहली बार ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी लाया है Asus ने, इसके बारे में भी बात करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसन्नजीत, आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी हिंदी। तो चलिए जान लेते हैं Asus Zenfone 6 के बारे में फुल डिटेल्स क्या है इस फोन में। अभी आते हैं इस फोन के कैमरा को लेकर, क्योंकि जब भी कोई नया फोन लॉन्च होता है उसके ऊपर हाईलाइट एक चीज होता है कैमरा, क्योंकि हर एक ग्राहक को अभी कैमरा बहुत ही पसंद होता है, क्योंकि उसका सेल्फी लेता है, कभी भी कोई भी जगह जाता है तो उसके लिए पिक्चर लेना एक अच्छी चीज़ है। उसके लिए एक DSLR या SLR लेके जाना भी प्रॉब्लम होता है, मगर मोबाइल हमारे पास हर टाइम रहता है तो इसके लिए कैमरा के ऊपर कोई भी फ़ोन आए उसी भी कंपनी का तो कैमरा अच्छा होना चाहिए। तो इस फोन में भी जो कैमरा मिल रहा है वो भी अच्छा मिल रहा है। इसमें जो कैमरा आ रहा है 48 मेगापिक्सल का एक कैमरा आ रहा है और सेंसर आ रहा है, और एक आ रहा है 13 मेगापिक्सल का। 48 मेगापिक्सल का जो सेंसर आ रहा है वो है सोनी INX586। इसका एपर्चर है f2.79, यानी कि अच्छा एपर्चर के साथ आ रहा है ये सेंसर, यानी कि आप जब भी कोई फोटो लो बहुत ही अच्छा फोटो आएगा। और उसके साथ आ रहा है 13 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, जिसमें क्या होगा आप ग्रुप फोटो कभी भी लोगे तो उसमें ग्रुप फोटो बहुत ही अच्छा आएगा, यानी कि कैमरे की तरफ देखोगे तो नो डाउट नीट एंड क्लीन एकदम अच्छा कैमरा आएगा। अभी जो चीज़ है ये है नया टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अभी तक किसी भी फोन में दिखाई नहीं गया ऐसा टेक्नोलॉजी भी इस फोन में आया है, वो है फ्लिप टेक्नोलॉजी। यानी कि कैमरा जब आएगा उसका दो ही कैमरा है, यानी कि जो दो कैमरा पीछे रियर कैमरा है वही फ्रंट कैमरा होगा, यानी कि उसके जो पीछे दो कैमरा होगा वो जब आप सेल्फी लोगे तो वो सेल्फी के लिए फ्लिप होकर ऊपर उठ जाएगा और आपके सेल्फी लेगा, यानी कि सेल्फी कैमरा भी जो आपको मिलेगा वो भी मिलेगा। दुनिया में पहली बार मिल रहा है 48 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, उसके साथ 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, प्लस जो 48 मेगापिक्सल का सेंसर आपको मिल रहा है सेल्फी के लिए उसका एपर्चर हो गया f1.79, यानी कि अच्छा सेल्फी कैमरा आपको पहली बार वर्ल्ड में मिल रहा है देखने के लिए। ये एक अच्छी चीज़ है Asus की तरफ से। जैसे आप जब सेल्फी लेने के लिए जाओगे तो जो कैमरा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आता है, जो देखा है जब भी कोई पॉप आउट कैमरा में किया फोटो लेने के लिए, जब भी उसमें प्रेस किया आ गया कैमरा चला गया, मगर इसमें नहीं होगा, इसको आप कंट्रोल भी कर सकते हो, यानी कि फ्लिप कैमरा जब आएगा पीछे से उसको आप जितना एंगल तक रखना चाहते हो रख पाओगे, क्योंकि इसका जो एंगल है 180 डिग्री एंगल में घूम सकता है ये कैमरा, तो इसके लिए इसका सेल्फी कैमरा भी बहुत अच्छा है। ये एक नया चीज़ है, नया टेक्नोलॉजी है जो Asus ने दिखा दिया है। इसके बाद आते हैं इसके प्रोसेसर को लेकर, इसका प्रोसेसर भी बहुत ज़बरदस्त प्रोसेसर दिया है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855। 855 प्रोसेसर को लेकर कुछ बोलने का ही नहीं है, क्योंकि आप सभी को मालूम है 855 प्रोसेसर अभी का सबसे अच्छा क्वालिटी का प्रोसेसर है, 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी का प्रोसेसर, पावर एफिशिएंसी प्रोसेसर, गेमिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। इस फोन में और भी अच्छा अच्छा चीज़ मिलेगा कैमरा में देखने के लिए, जैसे HDR मूड तो हम लोग देखते ही हर फोन में, मगर इसमें HDR प्लस मूड आपको मिल जाएगा, पैनोरामा मूड मिलेगा आपको, अलग से प्रो मूड मिलेगा, और एक चीज़ मिलेगा जो है वाइड एंगल, अल्ट्रा वाइड एंगल 125 डिग्री तक आप फोटो ले सकते हो पैनोरामा मूड में, यानी कि अल्ट्रा वाइड एंगल बहुत ही बढ़िया होगा इस फोन में। और एक चीज़ है, आप 4K रिकॉर्ड कर सकते हो, इसका स्लो मोशन बहुत ही अच्छा, सुपर स्लो मोशन आप इस फोन में रिकॉर्ड कर सकते हो, यानी कि कैमरा को लेकर जितना भी प्रॉब्लम होता है हर एक फोन में, इस फोन में कैमरे की तरफ बहुत ही ध्यान दिया गया है और बहुत ही अच्छा क्वालिटी का कैमरा दिया गया है, और कैमरे का फीचर्स भी बहुत ही अच्छा इस फोन में देखने को मिल जाएगा। अभी और एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस फोन में है, इसके ये भी कैमरा के ऊपर ही है, ये है मोशन ट्रैकिंग, यानी कि आप कभी भी मोशन करोगे इधर उधर करोगे तो कैमरा भी आपके साथ इधर उधर कर गया, ये भी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस फोन में आपको देखने को मिल जाएगा। अभी आते हैं इस फोन के बैटरी को लेकर, इस फोन में आपको दिखाई देगा 5000 mAh बैटरी, यानी कि दुनिया में सबसे पहला एक फोन जिसमें 5000 mAh बैटरी है
फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन पे, यानी कि अभी तक कोई भी फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन में 5000 एमएएच बैटरी दिखाई नहीं देता था, अभी इस फोन में आपको 5000 एमएएच बैटरी दिखाई देगा। ये बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी है, अच्छा काम किया है आसूस ने, क्योंकि पैसा जब कोई लेता है उसका सही से बैक भी देना चाहिए, यानी कि रिटर्न भी, आप कुछ भी प्रोडक्ट भेजो उसके लिए रिटर्न भी आपको देना चाहिए। ये चीज़ आसूस ने सही किया है, क्योंकि 5000 एमएएच बैटरी अगर होगा तो उसका जो इस्तेमाल भी अच्छे तरीके से कर पाएगा। और आसूस ने क्लेम किया है इसका जो बैटरी मटेरियल से ये बहुत ही अच्छा है और ये बहुत दिनों तक चलेगा भी, और जो कैमरा है वो भी बहुत दिनों तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ख़राब भी नहीं होगा। ये आसूस ने एक चीज़ बोला है जो अच्छा लगा है, मगर आसूस का एक प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर अपडेट को लेकर, यानी कि आसूस का सॉफ्टवेयर अपडेट सही से नहीं देता है। तो आसूस ने बोला है कि इस फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपडेट सही देगा, तो अभी देखेंगे कि ये फ़ोन में एक्चुअली कितना अच्छा देता है। अभी आते हैं इस फोन के सॉफ्टवेयर को लेकर। इसमें जो आपको सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा, ओएस मिलेगा, वो है एंड्रॉयड 9 पाई अपडेट मिल जाएगा फ़ोन में, और इसका जो कस्टम यूआई है वो है जेन यूआई 6 आपको इस फोन में मिल जाएगा, और इसमें कोई दूसरा एप्लीकेशन ज़्यादा ही नहीं, बेसिक 2-3 ऐप है, आपको स्टॉक एंड्रॉयड की तरह फीलिंग होगा इसमें। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये फ़ोन एकदम सही है। और एक चीज़ भी छोटा चीज़ है मौत और एक चीज़ है जो छोटा है मगर बहुत ही अच्छा काम किया है आसूस ने, वो है 3.5 mm जैक इस फोन में रख दिया है, यानी कि देखते हैं ज़्यादातर फ्लैगशिप फ़ोन में 3.5 mm जैक नहीं रहता है, इस फोन में 3.5 mm जैक आपको मिल जाएगा। और एक अच्छा चीज़ है वो है सिम स्लॉट। इस फोन में जो सिम स्लॉट मिलेगा वो ट्रिपल सिम स्लॉट मिलेगा, यानी कि 2 सिम कार्ड मिलेगा और लगाने का ऑप्शन रहेगा, और एक मेमोरी कार्ड लगाने का भी ऑप्शन इस फोन में आपको मिल जाएगा। यानी कि देखा जाए तो इस फोन में जो जो फीचर्स है छोटा छोटा बारीकी से बारीकी देख के ये फीचर्स उसने लाया है, और इसलिए ये फ़ोन अच्छा होगा और पॉपुलर भी होगा, वन प्लस 7 प्लस को सब कम्पीट भी कर जाएगा। और दूसरा है इसका डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है, ग्लास डिज़ाइन में आया है, फिनिश भी बहुत अच्छा किया है। तो ये फ़ोन में बाकी जो चीज़ें डुअल 4G सपोर्ट करेगा, और भी छोटा छोटा जितना भी सेंसर है सबके सब सेंसर इसमें है, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो फ़ोन हर तरफ से एकदम एक्यूरेट हुआ है ये आसूस जेनफोन 6। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके रखो, क्योंकि जब भी हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और जो जो कल के टेक न्यूज़ नहीं देखा है वो ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हो, और आज भी टेक न्यूज़ आ जाएगा कुछ 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में।